मैं आप लोग को विश्वास दिलाता हूं कि सरकार और आपके सहयोग से हम इस राज्य में स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में जितने भी बेहतर कार्य करने का मौका हमें मिलेगा उन सभी को किया जाएगा और इसमें आप लोगों की भी सहभागिता सुनिश्चित की जाएगी, ये हम आपको आश्वस्त करते हैं। हमने कई बार ऑफ द रिकॉर्ड हम लोगों ने बिशप स्वामी और भी जो हमारे मिशनरी समूह के छोटे बड़े तबके के लोग कहीं कहीं हैं उन लोग के साथ हमारी मुलाकात होती है, बातें होती है और हम लोग अक्सर इस विषय पर चर्चा करते हैं कि ये चीज़ें कैसे ठीक की जाए, इस स्कूल को कैसे चलाया जाए, इस अस्पताल को किस तरीके से स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधारा जाए, आप लोग क्या क्या क्षेत्र में काम करते हैं, किस तरीके से काम करते हैं, क्या आप लोग इस जिम्मेवारी को उठा सकते हैं, क्या आप हमारे सहयोगी बन सकते हैं, ऐसी कई चीज़ें पर हमारी चर्चाएं हुई हैं। मैं समय का इंतजार में था और ऊपर वाले ने, ईश्वर ने ये कृपा की, वो समय हमें पूरी ताकत के साथ दी है और इसका सदुपयोग इस राज के हमारे गरीब गुरुआ यहाँ के सभी जात धर्म के लिए ये सरकार स्वास्थ्य और शिक्षा में अमूलचूर परिवर्तन कर कैसे हम लोगों को अपने पैरों पर खड़ा करें। हमने पहले भी कहा है, हमारा लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट है। आज एक सीमित संसाधन में, मैं यहां इस बिल्डिंग को देख रहा था, यहां स्वागत कार्यक्रम चल रहा है, हमारे सिस्टर उद्बोधन में भी अपनी बातों को रख रही थी, लेकिन मैं इस परिसर को देख रहा था और इस लगन को इस तरीके से नाप रहा था, मापने का प्रयास कर रहा था। एक सीमित संसाधन में एक बड़े लगन के साथ जो प्रयास किया है, अभी हमने पूछा भी सिस्टर से, सिस्टर ये कितने फ्लोर का है, तो पता चला यहाँ एक ही फ्लोर बना है। और मुझे लगा और इन्होंने कहा कि ये पुरानी बिल्डिंग है, पुराना ये, इसी को हम लोगों ने रेनोवेट किया है। मेरे मन में आया क्या ये ऊपर और नहीं जा सकता, ये मन में मैंने सोचा था, मैंने पूछा नहीं सिस्टर से, लेकिन जब मैं यहां आके बैठा तो मैं देख रहा हूं ऊपर में उठने का भी प्रोविजन इस बिल्डिंग में है। तो निश्चित रूप से हम लोग आज इस मील का पत्थर को हम लोगों ने इस क्षेत्र के लिए जो स्थापित किया है, ये फर्स्ट फ्लोर नहीं, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ फ्लोर तक जाए, ऐसी हमारी शुभकामना। और इसमें हम लोगों से भी जो सहयोग होगा, निश्चित रूप से हम पूरी ताकत के साथ आपको हम सहयोग करेंगे, ये हम आपको आश्वस्त करते हैं। और आप लोगों ने कुछ मेमोरेंडम दिया है और उसमें सड़क, बिजली, एम्बुलेंस, पीने का पानी आदि का आप लोगों ने आग्रह किया है। निश्चित रूप से आपकी इस आवेदन, आप इसका इस मांग को मैं ग्रहण करता हूं और अविलंब इस क्षेत्र में इस समस्या का और इस जरूरत को पूरा करने का मैं आगे की कार्रवाई करूंगा। इसलिए आज बहुत ज़्यादा नहीं कहते हुए मैं बस सिस्टर से मैं एक ही आग्रह करूंगा कि आपने मुझे एक पेड़ दिया है, इसके लिए मैं बहुत बहुत आपका आभारी हूं, और वो भी फलदार पेड़ है और वो लगा हुआ पेड़, मतलब उसमें अभी भी फल है। हम अभी चाहेंगे कि आप मुझे अपने इस परिसर में एक छोटा सा जगह दें जहां मैं इस पेड़ को लगा सकूं और उस फल को मैं लेके जाऊंगा और बाकी जितने फल होंगे यहाँ के लोग खाएंगे। मैं चाहता हूं जब भी मैं इस परिसर कभी भी आऊं, चाहे मैं पद में रहूं या ना रहूं, उस पेड़ को जरूर मैं यहाँ देखूं ताकि उसका लाभ यहाँ के लोगों को मिले। इन्हीं बातों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, सबको जोहार। माननीय मुख्यमंत्री जी, सचिव
गर्व अनुभव कर रहे हैं। झारखंड सरकार श्री हेमंत सोरेन, महामान्यवर डॉक्टर फेलिक्स टोप्पो, येसु संघी, रांची महाधर्म प्रांत के महाधर्माध्यक्ष, महामान्यवर थियोडोर मस्करनेट सहायक बिशप रांची महाधर्म प्रांत, मान्यवर पॉल लखरा गुमला धर्म प्रांत के धर्माध्यक्ष, मान मान्यवर डॉक्टर योहन डांग जीएल चर्च के धर्माध्यक्ष, माननीय डॉक्टर फादर जोसेफ मरियानुस कुचूर येसु संघी रांची येसु समाज के प्रोविंशियल सुपीरियर, माननीय विधायक श्री राजेश कच्छप, महुआ माछी, सभी उपस्थित सम्माननीय अतिथिगण, पुरोहित गण, धर्म बहने, माता पिता, भाई बहनों और प्यारे बच्चों, संत अन्ना अस्पताल और अनुसंधान केंद्र उल्हातू के उद्घाटन समारोह में आप सबों का मैं संत अन्ना के पुत्रियों के धर्म संघ रांची एवं संत अन्ना अस्पताल और अनुसंधान केंद्र उल्हातू के प्रशासक तथा मेडिकल सुपरिटेंडेंट एवं स्टाफ की ओर से आप सबों का हार्दिक स्वागत करती हूं। तालियां। माननीय मुख्यमंत्री जी, यह हमारा अहोभाग्य है कि आप रांची से लगभग 16 किलोमीटर दूर उल्हातू जैसे क्षेत्र में आकर हमें आशीषित किए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, मुझे यह बताते हुए खुशी है कि यह अस्पताल झारखंड राज्य की भूमि पुत्रियों के द्वारा उठाया गया बीड़ा है। यह अस्पताल स्थानीय एवं सभी आने वाले जरूरतमंदों के लिए होगा। हमारा धर्म संघ रांची के झारखंड के 12 जिलों अर्थात रांची, दुमका, गिरिडीह, खूंटी, गुमला, सिमडेगा, लोहरदगा, लातेहार, पलामू, सिंहभूम, गढ़वा, हजारीबाग और हमारी संस्थाएं शिक्षा, समाज सेवा और स्वास्थ्य सेवा द्वारा अपनी सेवा इन सभी क्षेत्रों में दे रही हैं। हम सुदूर जंगलों में स्वास्थ्य सेवा केंद्र अर्थात प्राइमरी हेल्थ के द्वारा लोगों को सेवाएं देती आ रही हैं। आज केंद्र सरकार के पॉलिसी के तहत इस स्वास्थ्य सेवा केंद्रों को कई कारणों से और बड़े पैमाने में सेवा देने से हम वंचित हो रहे हैं। परंतु प्राथमिक चिकित्सा के द्वारा अवश्य हम अपनी सेवाएं दे रही हैं। मरीजों को निकट व दूर के अस्पतालों तक भेजकर या उन्हें अपने सेवा के द्वारा ले जाकर अपनी अहम भूमिका निभाने का प्रयास कर रही हैं। आज के वर्तमान परिस्थिति और समय व जगह की मांग को देखते हुए और बेहतरीन तरीके से सेवा देने की गहरी आत्मीयता भरी करुणामय सोच हम में जगी और शहर में नहीं किंतु शहर से बाहर उल्हातू खिजरी ब्लॉक में एक अस्पताल खोलकर मानव की सेवा स्वास्थ्य सेवा के द्वारा देने का एक साहसिक कदम उठाया है। और मैं यह भी बता देना चाहती हूं कि इस अस्पताल में आउटडोर मरीजों की इलाज होगा और इनडोर और ऑपरेशन सामान्य रूप से 1 फरवरी 2020 से प्रारंभ होगी। आज हम अत्यंत हर्षित है माननीय मुख्यमंत्री झारखंड सरकार श्री हेमंत सोरेन, आपने अपना बहुमूल्य समय और उपस्थिति से हमारा मनोबल को बढ़ाया है। हम में उत्साह, प्रेम, सेवा और हमारे प्रभु येसु क्रिस्त के पद चिन्हों पर विशेष रूप से सेवा देने के क्षेत्र में
पूर्ण समर्पण के साथ कार्य करने हेतु प्रेरित और विश्वास जगाया है। हमारे धर्म संघ के विशिष्ट मनोभाव यानी हमारा कैरिज्म बेटर सर्विस विद द लव ऑफ जीसस, यीशु के प्रेम से श्रेष्ठ सेवा से प्रेरित होकर मानव सेवा में समर्पित स्वस्थ सेवा द्वारा बेटर सर्विस विद लव एंड कंपैशन द्वारा निस्वार्थ सेवा देना अपना धर्म और कर्तव्य समझते हैं। इस पुनित समय में अपनी उपस्थिति और हमारे अति माननीय अतिथि गण की उपस्थिति हमें तथा इस संस्था में कार्यरत सभी लोगों को सदा अनुप्राणित करता रहेगा। अंत में पुनः मैं आप सबों को दिलो जान से अपना धन्यवाद अर्पित करती हूँ। धन्यवाद।